सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आईटेल के A05s फोन के बारे में एंड इसके अपने टॉपिक अलग है। इसके अपने फोन में रिंगटोन कैसे सेटअप करेंगे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपको भी अपने फोन में रिंगटोन का अप्लाई करना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन को, तो आप कैसे कर सकते हैं जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले गाइस आप अपने फोन की सेटिंग ऑन करेंगे अपने फोन में रिंगटोन को अप्लाई करने के लिए। देन गाइज आपको यहाँ पे देखिए नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पे देखिए आपको नीचे में रिंगटोन के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे गाइज आपको नोटिफिकेशन का एंड आपको अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप रिंगटोन पे क्लिक करेंगे, फिर गाइज आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे रिंगटोन मिल जाती है अपने फ़ोन में ही। अगर गाइज आपको अपने फ़ोन में अगर कोई डाउनलोडेड वाली करना है तो आप ऐड रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रिंगटोन मिल जाएगी। आप उस पर गाइज क्लिक करेंगे देन आप अपने फ़ोन में गाइज रिंगटोन सेटअप कर पाएंगे। सिंपली आपको बस इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली गाइज आप उस प्रकार से अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन एंड अलार्म में भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी गाइज आपको देखिए काफ़ी सारे रिंगटोन मिल जाती है, आप उस पर भी क्लिक करके अपने फ़ोन में रिंगटोन अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज कोई दिक्कत जा रही कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लव बाय।